मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके जो रूल्स है कंटेंट को लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है सर। सर ये भी जानना जरूरी है कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरी तरह के अपराध, फैक्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे, ये भी करना बहुत आवश्यक है। और उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है तो कानून उसके लिए अपना काम करता है, जिसके ऊपर सर हमारा मंत्रालय सीधी कोई कार्रवाई नहीं करता। अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था को देखने में वहां कानून काम करता है सर। सुना आपने ये बयान कल दिया गया केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के जरिए, और वो शख्स जो दिल्ली असेंबली के दौरान, इलेक्शन के दौरान एक सभा में मुसलमानों को गोली मारने की बात करता है, मुसलमानों पर हथियार चलाने की बात करता है, वो सदन में जाकर के बात कर रहा है कि समाज में तनाव पैदा ना करने की बात करता है, जब जुबैर को लेकर के एक सवाल किया जाता है उसके खिलाफ कानून अपना काम करता है, अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं। जी अनुराग ठाकुर, माननीय मंत्री जी समझ गए, बिल्कुल समझ गए, जिनका नाम मोहम्मद जुबैर है वो नफरत फैलाता है, और जिनका नाम अनुराग ठाकुर है जो खुलेआम मुसलमानों को गोली मारने की बात करता है वो प्यार बांट रहा है। आप अंदाजा लगाइए, केंद्रीय मंत्री जिसको लेकर के कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था, और कोर्ट ने उस मामले पे, हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो गोली मारने की बात कही गई थी उस मामले में अनुराग ठाकुर को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है, और उनको क्लीन चिट देने का आपने देखा ही था किस तरह से इस पूरे मामले में मुसलमान पहुंचे थे कोर्ट, लेकिन उसके बावजूद उसको क्लीन चिट दे दी गई। अब अगर कोई फैक्ट चेक करता है, कोई फैक्ट चेकर है, बार बार ये बात कही जा रही है, कोर्ट में भी कही गई कि मोहम्मद जुबैर कोई पत्रकार नहीं है बल्कि वो एक फैक्ट चेकर है, तो क्या अगर कोई फैक्ट चेकर है तो ये आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं? क्या फैक्ट चेकर होना कोई गुनाह है हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से? क्या भारतीय कानून किसी को फैक्ट चेक करने की परमिशन नहीं देता है? ये कई ऐसे सवाल हैं जो बार बार इन लोगों के जरिए कही जाते हैं, और झूठे आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि एक ट्वीट के लिए 2 करोड़ रुपये लिए थे। अब जाहिर सी बात है, जो बीजेपी की जो सेना है, जो संघ के लोग हैं, दिन भर बैठ करके ट्वीट करते हैं, उसका जो रेट है वो आपको मालूम ही है, 2 रुपये का रेट है। अब जाहिर सी बात है उन्हें 2 तो याद रहा, लेकिन उस 2 रुपये को 2 करोड़ कर दिया गया कोर्ट में। और वकीलों ने ये कहा, जो सॉलिसिटर जनरल हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जो वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि एक ट्वीट के जुबैर 2 करोड़ रुपये लेता है, 2 रुपये जो मिलते हैं बीजेपी के लोगों को, जो आईटी सेल है बीजेपी और आरएसएस और संघ का, उनको एक ट्वीट के लिए 2 रुपये मिलते हैं, और यही आरोप जुबैर के ऊपर लगाया गया, लेकिन उसको 2 रुपये को 2 करोड़ रुपये कर दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अनुराग ठाकुर को लेकर सोशल मीडिया में जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो आदमी खुलेआम मुसलमानों के कत्लेआम की बात करता है, मुसलमानों के ऊपर गोली चलाने की बात करता है, वो किस तरह से संसद के में खड़े होकर के ज्ञान बांट रहा है, और वो बात कर रहा है किस तरह से, वो बात कर रहा है कि नफरत फैलाई जा रही है। सब जानते हैं नफरत कौन फैला रहा है देश में, सबको मालूम है किसके जरिए नफरत फैलाई जा रही है, और कौन इस नफरत का जमकर मुकाबला कर रहा है, और कौन इस नफरत के खिलाफ खड़ा हुआ है, और कौन इन सब चीज़ों को लेकर के आम लोगों तक पहुंच रहा है। उन्हीं में से एक मोहम्मद जुबैर है, जिसने बीजेपी के कई जो प्रोपेगेंडे हैं उनको एक्सपोज किया, उनके बारे में फैक्ट निकाला, फैक्ट फाइंडिंग की, और उसको आम लोगों के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो ट्विटर की बात करें, चाहे वो वेबसाइट की बात करें, क्योंकि अल्ट न्यूज़ की वेबसाइट भी है, उसके अलावा यूट्यूब चैनल भी है, तो तमाम माध्यम से आम लोगों तक जो भी फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं, जो भी फर्जी खबरें चलाई जाती हैं, उनका जवाब देने के लिए जाहिर सी बात है ये फैक्ट चेक का काम कर रहे हैं। लेकिन उसको जिस तरह से नफरत से जोड़कर देखा जा रहा है, उसको लेकर सोशल मीडिया में हंगामा है, और लोग सवालात ज़रूर कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर का पुराना बयान, अनुराग ठाकुर की वो पुरानी बाइट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और लोग सवाल कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है लोग सवाल करेंगे भी, वाजिब भी है
क्योंकि जिस शख्स का ऐसा वीडियो मौजूद हो जो खुलेआम मुसलमानों को मारने की बात कर रहा हो, गोली मारने की बात कर रहा हो, और उस पर पूरी पुलिस प्रशासन, उसके साथ ही कोर्ट भी खामोश हो, कोर्ट उसको क्लीन चिट दे रहा हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र का जो पूरी प्रक्रिया है, चाहे वो पुलिस प्रक्रिया की बात करें, चाहे वो कोर्ट्स की बात करें, तमाम किस तरह से ऐसी चीज़ों पर खामोश रहते हैं। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।